महाराष्ट्र के नए सियासी समीकरण के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पवार ने कहा शायद बागी विधायकों की ऐसी मांग होगी, तभी शिंदे को सीएम की कुर्सी मिली है। हालांकि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की योजना कई महीने पहले ही बन गई थी, सारी योजना दिल्ली में बनी। इसमें शिंदे के सांसद बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बीजेपी के अपना मुख्यमंत्री न बनाकर शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की 5 प्रमुख वजह हैं। बीजेपी नेतृत्व नहीं चाहता था कि पार्टी पर शिवसेना को तोड़कर सत्ता कब्जाने का आरोप लगे, शिवसेना को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका दिया जाए, इसलिए हिंदुत्व के मुद्दे को इतनी हवा दी गई। डर यह था कि अगर शिवसेना को सहानुभूति मिली तो वह और संगठित होगी, ऐसे में बीएमसी का चुनाव जीतने में मुश्किल आ सकती है। शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने अपने कैडर में यह भी संदेश दिया है कि कोई भी खुद को खुदा न समझे। बीजेपी नेतृत्व में शिंदे प्रकरण से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को भी यह एहसास दिलाया है कि पार्टी पर उनकी पकड़ नहीं है। साथ ही एनसीपी, कांग्रेस और शरद पवार को भी सत्ता से किनारे कर दिया गया। आने वाले समय में एनसीपी और कांग्रेस से भी बड़े पैमाने पर इनकमिंग शुरू होगी। बीजेपी को एक पका पकाया मराठा नेता मिल गया है। पार्टी के पास अपने कैडर के विनोद तावड़े और आशीष शेलार जैसे प्रभावशाली मराठा नेता तो हैं, लेकिन उनका संबंध कोकण से है। अब पार्टी को कोकण से बाहर एक और विश्वसनीय और हिंदुत्व का ध्वजवाहक नेता मिल गया है, जो शिवसेना में रहते हुए भी बीजेपी के साथ गठबंधन का पक्षधर रहा है। MMR यानी मुंबई महानगर क्षेत्र में एकनाथ शिंदे का मजबूत प्रभाव है। इस MMR क्षेत्र में बीजेपी के पास नेता तो हैं, लेकिन शिंदे के तोड़ का नहीं है। MMR में 7 बड़ी महानगर पालिका, 60 विधानसभा सीटें, 10 लोकसभा सीटें हैं। इतने बड़े परिक्षेत्र में बीजेपी और शिंदे की ताकत मिलकर बड़ा खेल कर सकती हैं, और बीजेपी के मिशन 2024 में शिंदे बड़े सहायक साबित हो सकते हैं। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।